राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी किसी न किसी बहाने से यात्रा पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में रविवार को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया है। आइए पहले सुनवाते हैं कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा था। आज उस भारत के बारे में अनाप शनाप की बात है, और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। मैंने भाई, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले। भारत को टूटना था तो एक बार टूट चुका, 1947 में ही टूट चुका। भारत माता के दो टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान बन गया। बहनों भाइयों, उस समय भी हमारे जो नेता थे उनके दिल की यह हसरत थी, उनकी भी यह ललक थी, भारत टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हो गया, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किन परिस्थितियों में हुआ है। और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बड़ी है। राजनाथ सिंह के इस बयान पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा वो उनकी निजी राय है, लेकिन राहुल गांधी राष्ट्र को एकजुट करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। वो 3500 किलोमीटर चल रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, जहां 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ यात्रा का समापन हो जाएगा।